Hey, what is up everybody and welcome back to another video. So guys, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम लूप के बारे में। अब अगर आप पीसी में पबजी मोबाइल को खेलते होगे तो आप जरूर ही गेम लूप का यूज करते होगे। बिकॉज यार जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि गेम लूप बेस्ट इम्यूलेटर है पबजी मोबाइल को अपने पीसी में चलाने के लिए। लेकिन यार अभी लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो गेम लूप में खेल रहे होते हैं पबजी मोबाइल तो अचानक से सब कुछ गायब होने लग जाता है। मतलब हाउसेज नहीं दिखने लगते हैं, एनिमीज नहीं दिखने लगते हैं, अगर सीधे से बात करें तो कुछ भी नहीं दिखने लगता है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कैसे हम इस लैग को फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज यार जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि गेम लूप इंडिया में बैन हो चुका है। जी हाँ गाइस, गेम लूप इंडिया में बैन हो चुका है। अगर अब आप उसे डाउनलोड करना चाहोगे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी आपको डाउनलोड करने में। अगर आपके पीसी में पहले से गेम लूप है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी डाउनलोड करने जाओगे तो थोड़ा बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब गेम लूप बैन हो गया तो हमारा गेम लूप में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। हालांकि वीपीएन से कनेक्ट करके हम इसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोसेस होता है। मतलब वीपीएन डाउनलोड करो, कनेक्ट करो, फिर अपडेट करो। और ऐसे अगर हम नॉर्मली खेलना चाहें गेम लूप में पबजी मोबाइल तो उसके लिए वीपीएन की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। हम अभी अगर आपके पीसी में डाउनलोडेड है गेम लूप तो आप बिना वीपीएन के भी खेल सकते हो। तो गाइस अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और आते हैं मुद्दे पे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं इसी लैग को फिक्स करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप इस लैग को फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस लैग को फिक्स करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखते रहो। और भाई साहब अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से ही लाइक कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दो स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप इस लैग को फिक्स कर सकते हो। बस दो स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं और उसके बाद आपका ये लैग फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। तो चलो गाइस जल्दी से मैं आप लोगों को वो दो स्टेप्स बता देता हूं जिससे कि आपका ये वाला लैग फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना उसमें आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को गेम लूप का सेटिंग्स में चल जाना है। अब गेम लूप के सेटिंग्स में हम कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को गेम लूप को ओपन करना है। गेम लूप को ओपन करने के बाद आप लोगों को साइड में जो थ्री लाइंस देखने को मिलते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे थ्री लाइंस बने हुए रहते हैं, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों को चले जाना है सीधे सेटिंग्स पे। यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों को सेटिंग पे सिंपली क्लिक कर देना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाओगे अपने गेम लूप के सेटिंग्स पे। जाने के बाद आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधे आप लोगों को जाना है गेम के ऑप्शन पे। यहाँ पे जो आप लोगों को गेम का ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। गेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा रिजोल्यूशन का। तो रिजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसमें आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन रिजोल्यूशन के ऑप्शन के ही नीचे आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि होगा डिस्प्ले क्वालिटी का ऑप्शन। तो आप लोगों को सिंपली डिस्प्ले क्वालिटी के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक होगा ऑटो, एक होगा स्मूथ, एक होगा बैलेंस्ड और एक होगा एचडी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है तो आप लोग एचडी में कर सकते हो, अगर उससे लो एंड पीसी है तो बैलेंस्ड में खेल सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पे आप लोग ऑटो और स्मूथ का प्रयोग ही मत करो, मतलब ऑटो और स्मूथ पे क्लिक करना ही मत, भूल से भी मत करना। अगर आपने पहले से इसको स्मूथ में रखा हुआ है तो बैलेंस्ड में कर लो, और अगर एचडी में हो सकता है तो एचडी में कर लो। मतलब अगर आप अच्छा क्वालिटी करोगे तो आपको गेम में थोड़ा सा लैगिनेस देखने को मिलेगा अगर आपका लो एंड पीसी होगा तो। अगर लो एंड पीसी नहीं है, हाई एंड पीसी है, तब आप लोग एचडी में खेल सकते हो, अगर उससे लो एंड पीसी है तो बैलेंस्ड में खेलो। लेकिन स्मूथ में मत करना, स्मूथ से ही ये वाला ग्लिच आता है, और ऑटो में भी मत करना, ऑटो से भी ये वाला ग्लिच आता है। तो आप लोग ये वाला स्टेप एक बार ट्राई करके देखो, या तो बैलेंस्ड में रखो या तो एचडी में रखो। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस्ड या फिर एचडी चूज कर लेना है अपने हिसाब से। अब हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की ओर, और सेकंड स्टेप में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली अपना पबजी मोबाइल का गेम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को चले जाना है गेम के सेटिंग्स पे, और गेम के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जाना है ग्राफिक्स में, और ग्राफिक्स में आप लोगों को या तो बैलेंस्ड रखना है या तो एचडी रखना है, स्मूथ नहीं रखना है, वही सेटिंग्स की तरह स्मूथ नहीं रखना है। बैलेंस्ड रख सकते हो या फिर एचडी रख सकते हो, तो यहाँ पे बैलेंस्ड आप लोग चूज कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग बैलेंस्ड चूज करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बैलेंस्ड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद एक लास्ट चीज करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जाना है, गेम लूप को पूरी तरह क्लोज कर लेना है, टास्क मैनेजर में जाना है, टास्क मैनेजर से भी क्लोज कर लेना है,
हर जगह से क्लोज करने के बाद एक बार अपने पीसी को रिफ्रेश मारना है। रिफ्रेश मारने के बाद एक बार फिर से गेम लूप को चलाना है, पबजी मोबाइल को चलाना है, और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाला ग्लिच अब देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। हो सकता है फर्स्ट मैच में आप लोगों को ये वाला ग्लिच देखने को मिले, लेकिन एक या फिर दो मैच के बाद पक्का है कि ये वाला ग्लिच आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके गेम में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इस वीडियो से मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।